एक दिन बाबा गंगा के किनारे अकेले टहल रहे थे। कुछ साधु एक छोटी सी कुटिया में बैठे हुए थे। बाबा भी उस कुटिया में चले गए। साधुओं ने उनसे तरह तरह के सवाल किए, जैसे वो कौन हैं, कहाँ ठहरे हैं, क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं। बाबा ने बताया कि वो सिर्फ एक साधु हैं जिनका न कोई घर है न कोई ठिकाना। जहाँ जगह मिलती है वहीं रुक जाते हैं, जहाँ भोजन मिलता है वहीं खा लेते हैं। साधुओं ने बाबा को कुछ दिन अपने साथ ठहरने को कहा। क्या तुम हमें खिलाओगे? बाबा ने कहा। जरूर खिलाएंगे, साधुओं ने कहा। बाबा कुछ देर उनके साथ बैठ गए। एक साधु ने गाजे की चिलम भरनी शुरू कर दी। चिलम जब बाबा की ओर बढ़ाई जाने लगी तो बाबा नाराज हो गए। उन साधुओं को नशेबाज और ढोंगी कहने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सब उन्हें और खुद को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद बाबा उठ खड़े हुए और तेजी से कुटिया से बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद एक साधु कुटिया में आया और उसने अन्य साधुओं से पूछा कि क्या वे बाबा को पहचान पाए। जब साधुओं ने नहीं कहा तो उसने साधुओं की हंसी उड़ाई, बोला कि वो साधु कैसे साधु हो जो एक सिद्ध महात्मा को भी नहीं पहचान सके, जो खुद चलकर उनकी कुटिया में आए थे। साधु बड़बड़ाने लगे। जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया उस हालत में तो उन्हें कैसे पहचाना जा सकता था। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा जय हो, सदा ही जय हो। जय हो जय हो जय हो।